टू द चैनल फ्रॉप आवर ब्लॉग्स। तो गाइज, अगर आपके पास एक्वेरियम है, आप काफ़ी परेशान हैं उसको क्लीन करना, उसमें मतलब बैक्टीरिया एल्गे जम जाता है और ग्रीनिश हो जाता है पानी या फिर एक्वेरियम का सरफेस, तो उसके लिए दो चीज़ें आती हैं। एक आती है सकर, एक होता है फिश और एक होता है स्नेल। तो सकर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मैंने कर रखा था, ऑलरेडी मतलब मुझे पता था वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब इतना छोटा लो लेकिन बड़ा होकर इतना हो जाता है। तो उसमें रखने से प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी वो आपके पास अगर कोई फिश है तो उसका वो पकड़ लेता है तो उसको छोड़ नहीं पाता है, मतलब ऐसा होता है कि आपका उसका मछली भी डैमेज हो सकता है आपका। तो मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल सी बात है कि सकर का एक्सपीरियंस था, मैंने हटा दिया। तो अभी के डेट में मैंने लिया है स्नेल, और स्नेल कितने का आता है क्या पता, बहुत चीप है। मैं अभी डालता हूँ एक्वेरियम में, आपको दिखाता हूँ कि उसका कैसा रिस्पॉन्स है और कितना अच्छा है। मेरे हिसाब से वेल एंड गुड है, मतलब आप जा सकते हो यार, स्नेल इज़ बेस्ट। 50 रुपीज़ का पेयर आता है, सकर भी 50 रुपीज़ का ही पेयर आता है, कोई डिफरेंस नहीं है अमाउंट में, बट क्वालिटी और कलर्स इसमें डिफरेंस होता है। तो बस आप देखो वीडियो, एंजॉय करो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो ये आ चुका है घर में एक नया मेहमान जिसको स्नेल बोलते हैं। एक्चुअली मैं सकर लेने वाला था बट सकर लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, इस बार स्नेल लाया हूँ मैं, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर जो भी आपका होता है अगर कुछ तो वो चीज़ ये खा जाएगा। तो ये देखो अभी अंदर घुस के बैठा है स्नेल, तो एल्गी और बैक्टीरिया जो भी होता है ना वो सब खा जाता है। तो अभी ये देखो अंदर बैठा है, अभी इसको मैं डालने वाला हूँ एक्वेरियम में। तो ये रहा मेरा एक्वेरियम, लाइट ऑन ताकि दिखे कि हाँ वो किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो अभी इसको डालते हैं, तो पहले इसका कवर हटा देते हैं, और ये रहा स्नेल जो कि मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। तो नॉर्मली ये मार्केट में अवेलेबल हुआ है, आप इजीली ले सकते हैं इसको, मतलब ऐसे बोल रहे थे लोग बहुत अलग अलग टाइप का कि 700-800 का भी आता है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ 50 रुपीज़ का पेयर आया है मुझे, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का ये दो पेयर आया है मुझे, ये 50 का। तो ये जो नेट का आता है उसी से मैं निकालूंगा इसको। इसको ऐसा है कि आप पानी में के बिना भी रख सकते हो 2-3 मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसमें डाल लेता हूँ इनको, आ जाओ जी आ जाओ नए मेहमान घर के। अभी इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ, थोड़ा नीचे करके डालना होगा क्योंकि अभी ये नए हैं, इनके लिए तो नया है ना सब कुछ, तो चीज़ें इको फ्रेंडली नहीं होंगी इनके लिए। तो ये डाल दिया मैंने, इको फ्रेंडली नहीं फ्रेंडली, तो ये डाल दिया मैंने। तो ये अभी नीचे बैठे हैं, अभी सभी मछली लोग उनसे मिलेंगे क्या है नहीं है। अभी ये बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, अब ये सीधा होंगे, और मतलब मुझे जहां तक लगा ना, मतलब सकर क्या होता है, गपी का जो आप देखो, गपी का जो पूछ होता है, पूछ दिखाओ, गपीज का जो मैं दिखाता हूँ आपको, जो आप पूछ देखते हो ना ये ऑरेंज ब्लैक, तो सकर क्या करता था ना, इसको ले लेता था मुंह में तो फिर उसको छोड़ता ही नहीं था जल्दी, तो उसके कारण उसका पूछ खराब हो जाता था। तो ये लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग आराम से रहेंगे, ये लोग कोई भी मछली को परेशान नहीं करने वाले हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इसमें। तो अभी दोनों बैठे हैं अंदर चुपचाप, एक शायद ये उल्टा हो गया, इसको सीधा करना पड़ेगा, देखते हैं थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर ये खुद से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कर देंगे हम। एक तो हो गया सीधा, एक तो ऑटोमेटिक अपने काम में लग गया, अभी ये देखो निकल रहा है बाहर। तो गाइज ये बहुत ही मतलब सस्ता है, ऐसा नहीं है कि 200-400 रुपये का आता है, 50 रुपीज़ का मुझे पेयर पड़ा। अगर आपको कहीं मिलता नहीं है, अगर आप बैंगलोर से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो ये शायद अपने भाई को बचाने जा रहा है, सीधा करने जा रहा है उसको, तो आई गेस मुझे सीधा कर देना चाहिए इनको। तो इसको सीधा कर देते हैं, हाँ बस इतना ही करना है। अब इतने के बाद वो लोग आपस में देख लेंगे कहाँ खाना है, कहाँ रहना है, किधर क्या करना है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसा नहीं कि खराब एक्सपीरियंस है, इस पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मतलब इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कहीं भी आप लोगे तो मिल जाएगा। तो ये देखो कलरफुल, एक्चुअली कलरफुल है ना, आप यहाँ देख रहे हो कलरफुल जो मैंने स्टोन डाला है, वहाँ पे ये लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तो मैं थोड़ा और क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो अब आराम से जितने भी बैक्टीरिया एल्गी जो भी होता है
अब ये लो, इसको ख़त्म कर देंगे। हाय, इसका नाम क्या रखें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि गपीज का तो गपीज ही रख सकते हैं और सुनने में भी अच्छा लगता है। स्नेल थोड़ा अलग सा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका नाम क्या रखें हम। तो ये अपने काम में लग गए हैं ऑलरेडी, देख लो। बड़ा सरासिया।